कोरोना महामारी संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 31 जनवरी तक स्कूल तो बंद कर दिए गए, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई, जिस कारण सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का ही हो रहा है। छात्रों के परिजनों के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होने की बताई जा रही है समस्या। किरणापुर तहसील के ग्राम परसाटोला नहर के पास संदिग्ध अवस्था में मिला एक व्यक्ति का शव। स्थानीय जनों के द्वारा बड़गांव निवासी खेमदरपुरी उम्र 50 वर्ष के रूप में की गई पहचान। शव का पोस्टमार्टम कर पुलिस ने शुरू की जांच। जिला मुख्यालय से लगे हुए गर्रा वनस्पति उद्यान के पास गुरुवार की देर शाम को अशोक मेश्राम के घर में अचानक लगी आग। घर गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। जिला मुख्यालय से लगी हुई टवेजरी पंचायत के मंजारा गांव के लोगों ने वर्ष 2019 के परिसीमन के अनुसार ही मंजारा को दोबारा पंचायत बनाए जाने की रखी मांग। प्रशासन के समक्ष दर्ज करवाया दावा। शहर के वार्ड नंबर 24 को जोड़ने वाली सुरभि नगर शक्ति नगर के बीच सड़क को नगर पालिका के द्वारा निर्माण कार्य में छोड़ा गया अधूरा। 800 मीटर की अधूरी सड़क की वजह से रोजाना ही लोगों को हो रही परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया आगामी एक सप्ताह के लिए मौसम का पूर्वानुमान। 23 जनवरी को जिले में छाए रहेंगे हल्के बादल। आगामी सप्ताह में दिन का तापमान 25 से 26 डिग्री और रात के तापमान 7 से 11 डिग्री तक रहने की संभावना। तापमान में गिरावट को देखते हुए बुजुर्गों को ठंड से बचने की दी गई सलाह। लालबरा पुलिस ने युवती के अपहरण के मामले में गोंदिया निवासी युवक सागर के खिलाफ दर्ज किया मामला। अभिरक्षा में लेकर की जा रही है पूछताछ। उमली और मोवाड़ के बीच बस और बाइक के बीच हुई भिड़ंत। घटना में गोंदिया जिले के चंदोरी और निमगांव निवासी दो युवक हुए घायल। लालबरा शहर के नंबर 10 में नाली सफाई नहीं होने से सड़क पर बह रहा गंदा पानी। निवासरत और राहगीर हो रहे परेशान। 181 पर शिकायत करने के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। ग्रामीण थाना के अंतर्गत खुरसोड़ी में बीती रात सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल। मोटरसाइकिल और साइकिल की टक्कर में साइकिल सवार चिखला निवासी 50 वर्षीय विनोद मेश्राम की हुई मौत। वहीं मोटरसाइकिल सवार अनिल मोहारी निवासी सीहोरा गंभीर रूप से घायल, चल रहा जिला अस्पताल में इलाज। शहर के रानी अवंतीबाई चौक से लेकर रेलवे फाटक बूढ़ी मार्ग पर अव्यवस्था का आलम। सड़क पर अतिक्रमण और बिना अनुमति संचालित हो रही मटन दुकान। आवारा कुत्तों के प्रकोप से स्थानीय जन परेशान। शहर के डेंजर रोड स्थित कृषि यांत्रिकी विभाग के माध्यम से किराए पर उपलब्ध होने वाली मशीनरी के प्रति किसानों का हुआ मोह भंग। खुले में कबाड़ में रखी लाखों रुपए की मशीनरी। बारासुनी में जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रधानों को नहीं मिला वित्तीय प्रभार। प्रधानों में पनप रहा आक्रोश। वित्तीय प्रभार नहीं मिलने से मनरेगा मजदूरी सहित अटके बहुत से काम। प्रतिभा पर्व पर खुली स्कूल के संचालन की पूरी पोल। टीचर ना ही तो स्कूल पहुंच पाए और ना ही छात्रों के घर। अधिकांश स्कूलों में लटके रहता है ताला। छात्रों और अभिभावकों ने बताई पूरी व्यवस्था।